बड़ी प्यारी बहुत खूबसूरत हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको अपने, मेरा छोटा भाई है उसका एक मुर्गियों का छोटा सा फैंसी मुर्गियों का फार्म है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाह रहा था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि फैंसी मुर्गियाँ मेरे भाई ने रखी हुई है, बड़ी प्यारी प्यारी किस्म की। ये देखें, अच्छा क्या नाम है भाई इन मुर्गियों का? सिल्की कहते हैं, वाइट सिल्की। अच्छा ये वाइट सिल्की मुर्गियाँ हैं, बड़ी प्यारी बहुत खूबसूरत हैं ये माशाल्लाह से। और ये एक टाइप हैं, और भी भाई के पास अच्छी अच्छी मुर्गियाँ हैं, आपको दिखाते हैं। और भाई अच्छा ये देखें, ये ब्लैक छोटे मुर्गियाँ हैं, ब्लैक बेंटम कहते हैं इसको। ठीक ठीक ठीक, प्यारी मुर्गियाँ हैं। अच्छा और ये चूज़े हैं? ये चूज़ें इनके, इसमें इनके बच्चे भी हैं ब्लैक बेंटम के। सामने ब्लैक बच्चा जो है, ये ब्लैक बेंटम का है। अच्छा इसमें गोल्डन हैवी कोचिन है वो सामने। हाँ अच्छा, और कोलंगी है कुछ इसमें। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये गोल्डन हैवी बफ है। ये भी बहुत प्यारी मुर्गी है, मुर्गा है और मुर्गियाँ भी हैं। देखो माशाल्लाह से इनका साइज देखें आप, हमारे पास कोलंगियों में वाइट हीरा है। अच्छा ये काफी नायाब नसल है कोलंगियों में। अच्छा। बस भाई ने अपने बस थोड़ा बहुत शौक के लिए बस पर्सनली रखी हुई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मुर्गी है। आपके पास चूजे और इनक्यूबेटर भी हैं? इनक्यूबेटर भी, हम अपने अंडे खुद ही इनमें से बच्चे निकालते हैं। अच्छा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप पालते छोड़ देंगे। अच्छा ये ब्रूडर इसको कहते हैं, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं, ये साथ लगे हुए टेम्परेचर कंट्रोलर्स। जब पहले वीक के बच्चे होते हैं तो हम इसमें डालते हैं। अच्छा
फिर जब ये 1 वीक के ओल्ड हो जाते हैं उसके बाद हम इनको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इस वाले पिंजरे में, और नीचे अगली वीक की बैच आ जाती है। फिर ये इधर से ऊपर चले जाते हैं अगली वीक को, ये थर्ड वीक में फिर इसके बाद ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं सामने, यहाँ पर इनकी केयर वगैरह ख़त्म हो जाती है ज़्यादा। इसमें भी ये वीक वीक के हिसाब से शिफ्ट हो रहते हैं और इसके बाद तकरीबन निकल जाते हैं हमसे, देख सकते हैं ब्लैक बेंटम, हैवी कोचिन, वाइट हीरा सब इसमें मौजूद है। इनक्यूबेटर जो आप कह रहे थे, इनके लिए तो हमने इनक्यूबेटर मशीन 2-3 किस्म की बनाई है। एक तो ये चाइना से मंगाई थी स्पेशल, 10,000 X की मशीन है। अच्छा, इसको हम अभी फिलहाल बंद किया हुआ है, अंडों गर्मी है तो अंडों की प्रोडक्शन थोड़ी कम है। इसमें आप देख सकते हैं कि पंखे हीटर वगैरह अच्छी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना हुआ है, ऑटोमेटिक रोटेशन मशीन है इसके अंदर, ये ट्रेज इसमें लगी होती हैं तो ऑटोमेटिक रोटेट होता है। और फिलहाल हम छोटे उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाली मशीन। इसमें ये ऑटोमेटिक रोलर्स लगे हैं, रोल होते हैं और बच्चे निकलते हैं नीचे चले जाते हैं। ये इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऊपर पंखे लगे हुए हैं, पानी डाला हुआ है ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए। और ये है हमारे भाई, भैंस रखी हुई है इन्होंने दूध के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है भैंस, दूध भी खालिस दूध, बछड़ा, आप दही भी बनाएं, बहुत सारे आइटम्स दूध के साथ बनते हैं, वो घर की पैदावार है फिर खालिस देसी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी भैंस है। गांव का देसी तरीका खाना बनाने का गांव में, एक टेंडा गोश्त है। आप लोगों ने शीशे लगाए हुए हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि गांव में बहुत बिजली ज़्यादा जाती है, बगैर शीशों के यहाँ गुजारा नहीं होता है, तो ये शीशे तो मस्त है यहाँ पे गांव में।